ओम शांति। आज 18 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम माया के ग्राहक आधा कल्प रहे हो और इसलिए अब तुम बाप की श्रीमत पर चल करके बाप के बने हो तो माया जरूर विघ्न तो डालेंगी ही। दूसरी बात बाबा कहे कि माया के विघ्न क्यों आते हैं, क्योंकि अविनाशी वैद ने तुम्हें ऐसी दवाई दी है जिससे पुरानी बीमारी उथल तो खाएगी, अर्थात माया की जो बीमारी है वो उथल खाती है और इसलिए विघ्न क्रिएट होते हैं। तो तुम बच्चों को विघ्नों से कभी भी डरना नहीं है, लेकिन मन मना भाव के मंत्र से माया को भगाना है। बाबा हम बच्चों को ऐसा महामंत्र देते हैं जिस महामंत्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं और तुम बच्चे सुख धाम में पहुंच जाते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है, कोई कारण बताओ। उत्तर है, पहला कारण, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो, आधा कल्प के ग्राहक है, उसकी ग्राहकी खत्म होती है इसलिए विघ्न डालती है। दूसरा कारण, जब अविनाशी वैद तुम्हें दवा देते हैं तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है, मन मना भाव के मंत्र से माया भाग जाएगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति कह हैरान होते हैं, रोज कहते भी है ओम शांति। बाबा आकर रोज बच्चों को कहते हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। ओम शांति का अर्थ ही नहीं समझा तो जरूर है शांति मांगते ही रहते हैं, कहते भी है ओम शांति माना आई एम आत्मा अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म है साइलेंस, फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों। अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं, अर्थ ही नहीं समझते तो जरूर है शांति मांगते ही रहते हैं। तुम समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है। रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? पूछते बाबा, ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि यह तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। पांच विकारों में सब फंसते हैं, जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है, इसका निमित्त कौन? इतना अथाह दुख का निमित्त कौन? रावण। ये कोई को भी पता नहीं दुख किस कारण होता है। ये तो राज्य ही रावण का है, सबसे बड़ा दुश्मन यह है। हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं,
दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं, दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि है, परंतु एक को भी ये पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं, समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते ही नहीं है। कितना पैसा खर्च करते हैं, बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए। बाबा हिसाब पूछते हैं कि तुम्हें सतयुग में इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए। दशहरे पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, कुछ भी समझते नहीं रावण को क्यों जलाते हैं। इस समय इन सब विकारों की जेल में पड़े हैं मनुष्य, इस समय सब विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी है, समझते भी है रावण के राज्य में हम बहुत दुखी है, यानी समझते हैं कि सतयुग में ये पांच विकार होते नहीं, ये रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो यह कब से मनाते आए हो, दशहरा कब से मनाते आए हो, कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला आता है। तो यह सब समझ की बात है ना। बाबा इतना अच्छी तरह से हर बात को बहुत सुंदर स्पष्ट रीति से समझाते हैं, तो बाबा कहे ये सब समझ की बातें है ना। मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है, न जानवर है न मनुष्य है, कोई काम के नहीं, स्वर्ग को बिल्कुल जानते ही नहीं है, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो न सके। बाबा कहे इस कलयुगी दुनिया में तो कोई भी सुखी हो न सके, दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी है नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद है ना हमारा बाबा, अविनाशी वैद है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, यह तो है अविनाशी वैद। यह भी समझते हो दुख भी अथा है सुख भी अथा है, सत्युग त्रेता में सुख भी अथा है और द्वापर कलयुग में दुख भी अथा है। बाप अथा सुख देते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। सतयुग त्रेता में दुख का नाम निशान नहीं होता, सुखी बनने की ही दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है बाप दुखरता सुख करता है, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है, जीव और आत्मा दो का खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। अविनाशी आत्मा और विनाशी शरीर, इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ,
गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हम अब वापस जाना है। बाबा कहे, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है। पतित तो जा न सके, इसलिए पावन बनने की युक्ति है, माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना, यह भी बताता हूं, माया विघ्न जरूर डालेगी। बाबा ने पहले ही बच्चों को बताया, माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर हटकेगी, यानी परेशान तो करेगी। तो बाप समझाते हैं, यह तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई यह है याद की यात्रा, याद की यात्रा यह है दवाई। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत है जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है। इतना बार तुमको रोज जपना है। जब गुरु मंत्र देते हैं तो लोग उसे कहते रोज इतनी बार जपना है, इतनी बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दाम कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई है, राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे जपने में ही, बिजी रहेंगे तो मुख से उल्टा सुल्टा कुछ बोलेंगे नहीं, कोई कुछ कहेगा भी तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बहुत थोड़े ऐसे करते हैं। बाबा कहे, लेकिन बहुत थोड़े मनुष्य ऐसा करते हैं कि अपने आप को मंत्र जपने में बिजी रखते हैं, बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। यहां फिर बाप समझाते हैं, राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो अजपा जाप है, अंदर ही अंदर अजपा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूं, राम तो त्रेता का था जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में ये सब सिमरण करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि वह सब है अनराइटियस। दुनिया में मनुष्य के कर्म अनराइटियस हो गए हैं। राइटियस तो एक ही बाप है, वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं ये कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम यह बनेंगे, आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, ऐसी बात नहीं है कि बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं। यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख है, ऐसा बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, इसलिए यहां हमें बाप को याद कर अंदर ही अंदर खुशी होती है कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, और यही खुशी के संस्कार आत्मा में जो है वो
वो साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, क्योंकि माया के कोई ना कोई थप्पड़ तो कभी लगी जाएंगी। तो इसीलिए बाबा कहे सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन ये किसको पता ही नहीं, तो क्या समझ याद करे। दुनिया में भी मनुष्य अगर बीमार पड़ते हैं और उनको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन ये किसको पता ही नहीं, तो क्या समझ याद करेंगे, क्यों याद करें। तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड। बाबा कहे उस दुनिया को कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड, मनुष्य की दुनिया नहीं कहा जाता। सतयुग को मनुष्य की दुनिया नहीं कहा जाता, वो तो है ही देवताओं की दुनिया। मनुष्य नाम होता ही नहीं। वहां के शब्दकोश में, देवताओं के शब्दकोश में मनुष्य नाम ही नहीं होता है। फलाना देवता वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। यह सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझाने देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यही महामंत्र बाबा से मिलता और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना, दोनों दुनिया में बहुत अंतर है। ये बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो समझते हैं। डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए, यहां तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे, महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है ही रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं है। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, यह है कौन। बाबा कहे हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो ये है कौन, इसको पता ही नहीं है, कोई मनुष्य तो नहीं है। यह है पांच विकार, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। पांच विकारों का राज्य है ना, सब में पांच विकार है। यह दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है। सदगति में आदि के टाइम का भी बाबा ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। कैसे दुर्गति की ओर जाते हैं, तुम ही ऊंच चढ़ते हो फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है दैवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य होता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है। बाबा कहे ये शिव शक्तियां भी तुम हो, तो नवरात्र पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है। तुम ही स्थापना करते हो,
श्रीमत पर चल तुम विश्व को चेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग, पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते ही है पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत है, परंतु बहुत है जो भूल जाते हैं। बाबा इतना समझाते हैं, परंतु बाबा कहे बहुत है जो भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है क्या? बाबा कहे भाषण करने के बाद स्मृति आती है, यह पॉइंट समझानी थी, समझाना चाहिए था। हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसी होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे, सब एक जैसा पद नहीं पा सकते। ऊंचते ऊंच पद पाने वाले भी है तो कम से कम पद पाने वाले भी है। दोनों ही यहां से निकलते हैं, ऊंचते ऊंच पद पाने वाले भी तो कम से कम पद पाने वाले भी। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। यह शाहूकारों की दासी बनेगी, यह राजाए घराने की दासी बनेगी, ये बड़े शाहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। शाहूकारों को कब कब राजघराने में इनवाइट करते रहेंगे, सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ी देखेंगे। श्री कृष्ण का मुंह देखने के लिए किसी किसी को इनवाइट किया जाएगा, सब थोड़ी मुंह देख सकेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सन्मुख सब थोड़ी देख सकेंगे। तुम अभी सन्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, कुछ तो जाएगा अंदर में। नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव ये बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। पढ़ाई करेंगे तो मध्य में विष्णु जो है उसके दुनिया में जाएंगे। तो मन मना भव अर्थात बाप को याद करो, और फिर टीचर कहते हैं मध्याजी भव। यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाते हैं, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलना है वो तो कुछ भी पता नहीं है। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं। ये बेहद की बात है ना, सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, तो सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं, जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी अवस्था को सदा एकरस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहां से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे, वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। पांच विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है, अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है, आत्मा परवश है। आज का स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। अच्छा, ओम शांति।